एक शख्स ने कसम खाई कि मैं गोश्त नहीं खाऊंगा। वैसे कसम खाना मना है, हलाल चीज़ के लिए कसम नहीं खा सकते आप, आपको इजाज़त नहीं है। वरना उसने कसम खा ली कि मैं गोश्त नहीं खाऊंगा। अब उसने मछली खा ली, मछली खाने के बाद परेशान हो गया कि मैं तो हानिस हो गया। वो लोग डरा करते थे कसम टूट जाने से, अब तो आदत बन गई है ना, रोज़ाना सुबह कसमें शाम को कसमें बन रही हैं, खाई जा रही हैं, टूट रही हैं। वो एक कसम पे घबराते थे कि मैंने कहा था गोश्त नहीं खाऊंगा, कसम खाई थी, मछली मैंने खा ली है, कसम मेरी क्या बनेगा कसम का। चुनाचे उस वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग थे हजरत सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह, वो उनकी खिदमत में पहुंच गए कि हजरत मैंने कसम खाई थी गोश्त नहीं खाऊंगा, मैंने मछली खा ली है, क्या बनेगा। फरमाया तेरी कसम टूट गई, तू हानिस हो गया, मछली भी तो गोश्त है। और गोश्त क्या है, कुरान हकीम में आता है ना कि लहमन तरिया, ताज़ा गोश्त कहा गया मछली। कि तूने कसम खाई थी गोश्त नहीं खाऊंगा, मछली खा ली है, कसम टूट गई तेरी, हानिस हुआ है तू। परेशान हो गया, ख्याल आया कि इमाम आजम भी तो मौजूद हैं, अबू हनीफा भी मौजूद हैं, उनसे पूछ लेता हूँ, कूफा में तो था ही, वहाँ चला गया। इमाम साहब के पास पहुँचा कि हजरत ऐसे मैंने कसम खाई थी गोश्त नहीं खाऊंगा, मछली खा ली है मैंने, मेरी कसम का क्या बनेगा। फरमाया तेरी कसम नहीं टूटी, तो हानिस नहीं बना। उसने कहा हजरत सुफियान ने तो फरमा दिया, फरमाया उन्होंने कह दिया है लेकिन तेरी कसम नहीं टूटी। ये चला गया वहां जाकर उनको बताया कि हजरत आपने तो कहा था कसम टूट गई। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कसम नहीं टूटी, मजे करो। उसने कहा अच्छा, अबू हनीफा कुरान का इनकार करता है, कुरान का मुखालिफ है, कुरान गोश्त कहता है मछली को, लहमन तरिया ताजा गोश्त, और तूने कसम गोश्त न खाने की खाई थी। गोश्त उसमें सारा आ गया, मछली का गोश्त तो गोश्त ही है, अब वो हनीफा मुखालफत कैसे कर रहा है। ये वापस आया इमाम साहब को आकर बताया कि हजरत हजरत सुफियान तो ये फरमा रहे हैं आपके बारे में। मुस्कराने लगे, फरमाया अच्छा ऐसे करो कि एक मसला तुम्हें बताता हूं, जाकर उनसे पूछ आओ, और जब वो जवाब दें तो फिर तुमने ये कहना है। उसने कहा ठीक है। चुनाची वो गया, इमाम साहब ने उसको सिखाया, वो आकर बैठा हजरत सुफियान के सामने और आकर कहने लगा हजरत एक मसला बताएं, एक आदमी ने कसम खाई है कि मैं फराश पर नहीं सोऊंगा, फराश बिस्तर, बिस्तर को फराश कहते हैं, मैं फराश पर नहीं सोऊंगा, कसम खाई है उसने, तो वो बिस्तर पे तो नहीं सोया, जमीन पर सो गया, अब उसकी कसम का क्या बनेगा। उसने कहा उसने कसम खाई थी ना कि फराश पर नहीं सोऊंगा, जमीन पे सो गया है तो खैर है। इमाम साहब को बताया, इमाम आजम ने फरमाया कि जाकर उनसे कहो कुरान की मुखालफत करते हो, कुरान की मुखालफत करते हो। उसने कहा वो कैसे। फरमाया कुरान कहता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ज़ फिराशा, कि मैंने तुम्हारे लिए जमीन को फराश बनाया है। उसने कसम खाई थी फराश पर न सोने की, जमीन पर सोएगा तब भी कसम टूटेगी। अब हजरत सुफियान परेशान हो गए, आए इमाम आजम के पास, आपने तो मुझे फंसा दिया, क्या जवाब है। फरमाया हजरत बात यह है कि कसम तो ठीक है उसने खाई थी, लेकिन उर्फ आम को देखा जाता है कि आवाम के अंदर बात मशहूर क्या है, और आम तौर पर गोश्त जो होता है वो गोश्त गाय का, बकरी का, भेड़ का, भैंस का, ऊंट का, इसको गोश्त कहते हैं। मछली के लिए नाम मछली ही का है, उसे लोग गोश्त नहीं खाया कहा करते। अगर कोई किसी की दावत करे और कहे कि आओ मैं तुम्हें गोश्त खिलाऊंगा, वो उसको अगर मछली खिला दे तो वो एतराज़ करेगा, आपने तो कहा था मैं गोश्त खिलाऊंगा, ये तो मछली है। तो मछली अलग चीज है, गोश्त अलग चीज है। जिस तरह यहां पर उर्फ आम का एतबार है, वहां भी ऐसा ही होगा कि फराश से मुराद जमीन नहीं ली जाएगी, बल्कि उससे मुराद बिस्तर लिया जाएगा।